नमस्कार। पिछले 24 आवर्स में मानसून गोवा के ऊपर विग्रस रहा, और जो 13 रेनफॉल मेशरिंग स्टेशन्स है गोवा में, उसमें एक में सांगेम पे हेवी रेनफॉल रिपोर्ट किया गया, जो कि 77 mm था। केपेम में भी ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट हुआ। फिर पेरनेम में रिपोर्ट हुआ अराउंड 5 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। और आज के दिन यानी कि 13 सेप्टेम्बर को जो गोवा का स्टेट एवरेज रेनफॉल है, क्यूमुलेटिव जो है इस सीज़न का, इस मानसून सीज़न का, वो नॉर्मल से 5% एबव है। और आने वाले दिनों में भी एटलीस्ट फॉर 2 to 3 डेज नॉर्मल मानसून एक्टिविटी कंटिन्यू रहने के चांसेस है गोवा के ऊपर। अभी जो सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम था, 2 दिन पहले एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ था बे ऑफ बंगाल में, जो कि आज के दिन 13 सेप्टेम्बर को फर्दर इंटेंसीफाई होगी डीप डिप्रेशन नाम के स्टेट में। उस स्टेट में है जिस जो लो प्रेशर एरिया के बाद, डिप्रेशन के बाद फर्दर इंटेंसीफाई होके बनता है। और ये सिस्टम अभी नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के आसपास है आज के दिन, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू मूव नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन ओवर नॉर्थ छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थ मध्य प्रदेश। तो वो सिस्टम के कारण गोवा के ऊपर सरफेस विंड्स जो है कंपेयर टू लास्ट वीक थोड़ा सा तेज़ है। वी आर रिपोर्टिंग अराउंड 15 to 20 knots ऑफ विंड स्पीड, विच इज़ नॉट एनी डिस्ट्रक्टिव विंड स्पीड, लेकिन इट इज़ हायर देन वॉट इट वॉज 2 weeks ago और 1 week ago। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम गोवा के ऊपर हेवी रेनफॉल एक्टिविटी जो है और 2 दिन कंटिन्यू रहने के चांसेस है। वन और टू प्लेसेस पे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 11.5 सेंटीमीटर्स इन 24 आवर्स, ऐसे रेनफॉल जिसको वेरी हेवी रेनफॉल बोलते हैं, वो भी होने की प्रोबेबिलिटी है ऑन 13 सेप्टेम्बर को। और 14 सेप्टेम्बर को हेवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस में चांसेस हैं, और उसके बाद बेस्ड ऑन प्रेजेंट ऑब्जर्वेशंस कोई वेदर वार्निंग की चांसेस नहीं है। अभी हम लेटेस्ट रडार इमेज को देखेंगे अराउंड 2:30 के, तो देख सकते हैं कि रेनफॉल इज स्टिल कंटिन्यूइंग ओवर सतारी तालुका एंड पार्ट्स ऑफ पोंडा, सांगेम एक्सेट्रा। और ये शॉर्ट स्पेल्स मोस्टली थ्रू आउट आफ्टरनून रहने के चांसेस हैं, नॉट ओवर ऑल द प्लेसेस, लेकिन 25 to 50% ऑफ स्टेशन के ऊपर ये शॉर्ट स्पेल्स ऑफ रेनफॉल आज के दिन कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं।